ये है हमारा देश। सुबह होते ही गांजा, चरस, अफीम, चोरी, हत्या। रात हुई नहीं कि लड़की घर से अकेले नहीं निकल सकती। ऑटो में रेप, बस में रेप, स्कूल में रेप। हमारे देश में तीन तरह के लोग हैं, अच्छे लोग, बुरे लोग और एक जो कि कुछ नहीं है। कानून सरकार को मानते ही नहीं। सब कहते हैं कि सरकार और कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सरकार और कानून व्यवस्था ठीक है, हम लोग ही खराब हैं। आइए जानते हैं कि हमारी जनता क्या कहती है। मैडम, इन दिनों जो स्कूलों में, बसों में अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? पुलिस को ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आजकल समाज में ऐसे भी लोग हैं जो लड़कियों को बहुत परेशान करते हैं। सब लोगों को मिलके इन लोगों को ऐसे मारना चाहिए जैसे कि फ्लाइट क्रैश हो, वैसे ही इनकी बॉडी क्रैश हो जानी चाहिए। चाहे कोई भी डॉक्टर आए, इनका कोई इलाज, कोई सर्जरी नहीं होनी चाहिए, बॉडी रिपेयर ही नहीं होनी चाहिए। वैसे ही लड़की लोग भी कम नहीं है, वो लोग भी शरीफ लड़के लोग का रेप करते हैं। कैसे पता है तुझे? एक मोबाइल फोन लेके 10 बॉयफ्रेंड को फोन करती हैं। वहीं प्यार में वो लोग पागल हो जाते हैं, मानसिक तनाव हो जाता है, वो भी एक तरह का रेप के बराबर ही है। इनकी कोई बहन है ही नहीं तो ये क्या समझेंगे? ये लोग, ये फैमिली के साथ रहते तो पता चलता, ये कुत्ते के बच्चे कौन से गटर में पैदा हुए, ये कुत्ते ही रहेंगे। इन हरामियों का ABC कट करके कुत्तों को खिला दो। अभी आप उन लोग क्या कर सकते हैं? आजकल की लड़कियों ने मान मर्यादा बिल्कुल छोड़ ही दिए हैं। छोटे छोटे कपड़े पहन के रोड पे आएंगे तो लड़के भी क्या करेंगे, छेड़ी देंगे ना। हमारे देश की जनता लड़कियों के बारे में भी बुरा बोल रही है और लड़कों के बारे में भी बुरा बोल रही है, लेकिन जिन निर्दोष लोगों के साथ ये काम होता है वो जिंदगी भर बदला लेने के लिए इंतजार करते रहते हैं। हम लोग अभी शमशान घाट के अंदर हैं, जहां अत्याचार पीड़ित 3-4 लड़कियां मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनके क्या विचार हैं। अरे अरे, ये गेट कैसे खुल गया अपने आप? देखो ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। तुम भी ना डर जाती। नहीं जाऊंगी, तुम जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं, मुझे वापस जाना है। चलो यहाँ से, पकड़ो ये कैमरा। अरे कैमरा क्यों पकड़ रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई हमें देख रहा है। प्लीज तू चल, इधर कोई नहीं है, मुझे यहाँ नहीं रहना। देख उधर भी कोई नहीं है। चलना यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। यहाँ कोई ना कोई तो जरूर है, मुझे डाउट है। उधर देख, देख शायद कोई है। ये देखो ना कैसा साउंड आ रहा है। अरे युगा, युगा देखो ना वहाँ कौन है, वो बॉडी कैसे चल रही है, देखो ना वहाँ पर। उसके बाजू में जा, मैं हूँ तेरे साथ, बात कर उससे, बात कर, बात कर। आप कौन है दीदी? ये कैब ड्राइवर था, मैं ड्यूटी खत्म करके अपने ऑफिस से आ रही थी। ये मुझे जंगल में ले जाकर रेप करके मेरी बॉडी को फेंक दिया। मेरे घर वालों को भगवान का डर दिखाकर उनको भी मार डाला। इसके घर वाले आकर इसका अंतिम संस्कार कर दिए। इसकी बॉडी को निकाल कर जिस हाथ से इसने मेरे कपड़े फाड़े थे उसी हाथ को काट के मैं खाना चाहती हूँ। तुझे भी चाहिए क्या? नहीं नहीं, आप ही खाइए। दीदी नमस्ते। अरे नमस्कार की ऐसी की तैसी, तू यहाँ क्यों आई है पहले ये बता। दीदी हम लोग एक पिक्चर बना रहे हैं, उसमें जो अत्याचार पीड़ित लड़कियां हैं उनका इंटरव्यू। अच्छा, ऐसी बात है तो कैमरा ऑन कर, जल्दी ऑन कर। मैं यहाँ पर किसी का इंतजार कर रही हूँ। आप यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? जब मैं 18 साल की थी तो एक आदमी ने मेरा रेप करके मुझे मार डाला, मैं उसी के मौत का इंतजार कर रही हूँ। मेरी आत्मा उसका इंतजार कर रही है। आत्मा किधर गई दीदी? उसके घर पे उसकी लाश रखी है, वही खाने गई है। यहाँ मुझे एक और भूत दिख रहा है, आइए चलिए उससे बात करते हैं। दीदी आपका नाम क्या है, आप क्यों रो रही हैं? मेरा नाम अरुणा है, मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। दीदी रो मत, जो भी बात हो वो मुझे खुलकर बताओ, प्लीज मुझे बताओ ना दीदी। मुझे 4 लोगों ने रेप करके मार दिया और वो लोग भागे, मैं उनके मरने का इंतजार कर रही हूँ। ए लड़की इधर आ। युगा देखना उधर 5 भूत तुझे बुला रहे हैं। पकड़ ले इसी को, पकड़ ले। ए लड़की इधर आ, आजा 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 आजा। ये कौन है युगा, ऐसे कोई बुलाता है क्या? इन सब लोगों की कहानी क्या सुन रही है? मैंने खुद NH7 पर बैठ के कहानी लिखी है, तुझे वो देता हूँ, पढ़ के देख। राजू कहानी दे, पकड़ पढ़ इसे। युगा भूत लोग भी कहानी लिखते हैं क्या? हमें जो चाहिए था वो मिल गया, अब रख ले इसको।
बेटा, अरे बेटा, क्या हुआ, डर गई क्या बेटा? सो जा, मेरे पास सो जा, मैं हूं ना, डरना नहीं। हाँ, बुरा सपना देखा तूने बेटा? चल तू पीछे, छोड़ा नहीं, आराम से। नहीं नहीं, तू भी ना यार, कैसा रहा? जा भाई, जा जा, एक दो को पकड़ के लाना। शाबाश शाबाश, चल चल चल, उधर से हाँ, ले पकड़। अरे पकड़ यार, ले 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 ले, उसको ले उसको ले, तुझे 8 पॉइंट बनाना है। ले ले, अरे इसको ले, 4 तो ले गया। पकड़ 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 पकड़, ला ला ला, क्या बात है, पूरा 8। एक नंबर। बस तुम रुको, मैं जाता हूँ, सबको आउट करके आना है एक झटके में। मैं देखता हूँ। रुको बॉस, रुको बॉस, मैं जाता हूँ। क्या किया तूने, आउट होके आ गया ना, लानत है तुझ पे। तू ए चला, आजा आजा। कबड्डी 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 कबड्डी। ये बच्चे लोगों का ये गेम खेलने के लायक है, खेलने दो इन्हें। आज देखते हैं कौन बच्चों का गेम खेलने लायक है। एक पंच मारूंगा ना तो हड्डियाँ टूट जाएंगी तुम्हारी। तूने देखा नहीं है मेरा दम, आजा चल। ये तो हड्डी तोड़ने वाली बात कर रहा है, इसको छोड़ना नहीं। क्यों रे बेटा, इतना बड़ा हो गया कि मेरी हड्डी तोड़ने की ताकत आ गई तुझमें, तो आज तोड़ ले। आजा, आ रे, आजा रे। देखा, छोड़ो मुझे बेटा, आज या तो तू या तो मैं फैसला होकर रहेगा। आजा, छोड़ना नहीं इसको। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, सब पीछे हटो। अगर तुझ में हिम्मत है तो आजा, आजा, आजा मेरे पीछे। रुक, चल, आ रहा हूं मैं, आजा, आजा, रुक, चल, रुक, आजा, देखते हैं तुझ में कितनी हिम्मत है, चल। अरे कहाँ भाग रहा है, रुक। चीयर्स। इधर देख प्रवीण, मुन्नी गैंग कबड्डी में हार गई है, इधर ही बैठ के तेल पी रहे हैं। ए वो एक डरपोक है, उसके बारे में क्या बात कर रहा है तू, दारू पी। बेटा ये जो बियर है इसमें क्या है? हाँ? तेरी दादी का पिंड है, चुपचाप पी रहे, पी या
तेरे पापा एकदम सिंपल है, तू कुछ भी नहीं पीता है, उनका मुंह बिल्कुल एकदम गटर जैसा। तू शराब पीता है, अगर पता चल गया तेरे पापा को तो तुझे मार ही डालेंगे, बराबर ना? है ये तू उधर क्या बोलता है, इधर सुन मुझसे पूछ। जब मैं कल फुल टाइट होके घर पे गया तो पापा गांव की पहरेदार की तरह वहां खड़े थे। मेरे पापा मुझसे क्या बोले, तू मेरी बात सुन और समझ, तू बस पीने वालों के साथ मत घूम, बाकी कोई बुराई नहीं है, तू पी मत, ऐसा नहीं बोला। इसलिए मैं लाइट वाला क्वार्टर उठा के लेके आया और बस उसी को मैंने पिया। इसलिए मेरे पापा ने मुझे क्या बोला पता है? क्या किया बता? अरे लोफर है मेरा बेटा बोल के झाड़ू निकाल के मेरे कमर पे मारा और मैं फ्लैट होके गिर गया। क्या कमर पे मारा तुझे? कमर को कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरा कमर बहुत स्ट्रांग है गुरु, बहुत स्ट्रांग है गुरु, बहुत स्ट्रांग। ये मेरा ग्लास हाफ हो गया है, डाल इसमें, हाफ हो गया है, डाल डाल इसमें। बस 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 यार, दारू पीने के बाद नाचने का बहुत मन कर रहा है। अपनी टॉप की रानी आई है, मुझे स्मेल आ रही है। ये संतु लगता है उसी को देख के वहाँ रुक गया है। हाँ चलो चलते हैं, चल रहे चल भाई, मेरा बाकी है यार। अरे बिल भर गया। अरे रुक रुक यार, मेरे पापा ने पीने वाले लड़कों के साथ मत बैठ ऐसा बोला, पर लड़की के साथ मत जा ऐसा नहीं बोला। अरे मेरी ऐसे लड़के लोग चाहिए क्या मुझे तकलीफ देने के लिए? ये हलगट मेरा बेटा है, काम तो कुछ करता नहीं है, गली गली घूम रहा है, आवारा है मेरा बेटा, तू तो रोड के कुत्ते के जैसा ही है। कोई भी खाना खिलाएगा तो उधर ही चल देगा। अरे तू कचरा है कचरा, सच बोल रहा हूँ मैं, कचरा है तू कचरा। ए रुक, ओ मुझे क्यों पैदा किया, कुत्ते को पैदा कर लेते। रुक जा तू, बड़ा अच्छा पोज दे रहा है तू, जैसे कि मैंने तुझसे उधार लिया हो। ऐसा क्या देख रहा है मुझे, पिक्चर का हीरो समझ रखा है क्या? ओ रंगप्पा क्या यार, तू जवान बेटे पे रोज चिल्लाते रहता है, जवान बेटे पे ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए, दोस्त की तरह रहना चाहिए। उसकी शादी करा दे फिर सब ठीक हो जाए। यही बाकी रह गया था क्या, देखने के लिए इसकी शादी करके इसकी बीवी को भी मैं ही खिलाऊंगा खाना। यमराज के ऊपर से आने तक क्या मैं इनको खाना खिलाता रहूंगा? अब हाँ आ रहा हूँ, मेरे बाप का तो रोज का यही। देखा स्वामी इसका नाटक देख रहा है तू, कैसे बोल के जाता है, देखा? ओ तेरा मुझ पर कोई उधार नहीं है, बाप की बात कभी बच्चे सुनते नहीं है, इसलिए बच्चों को कभी भला होता नहीं है, तेरा भी इसलिए भला नहीं हो रहा है, कुत्ता बन गया तू। स्वामी क्या रोज रोज पीके गाली वाली बकता रहता है तू, स्वामी तेरे को कोई शर्म वरम है क्या? नहीं शर्म वरम मेरे को बताने वाला क्या, तू मेरा रिश्तेदार है, तू मुझे क्या समझाएगा? वो मेरा बेटा, मैं उसका बाप, हम दोनों आपस में झगड़े, झगड़ के मार मार के एक दूसरे को मार ही डाले, तू पूछने वाला है वन? और एक बार तूने अगर दोबारा बोला तो मैं तुझे ही मार डालूंगा, चल जा भाग यहाँ से, दोबारा दिखाई मत देना, कहीं से भी आ जाता है कोई भी। यार एक सिगरेट पिलाना? नहीं यार, मेरे पास एक है। अरे नहीं है यार, कौन है ये पागल? दो मार के भगा यार इसको। कौन है तू, पैसा चाहिए तुझे? दे 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 दे। ये ले, चल जा। अबे ये क्या फेंक दिया, सुबह सुबह ही पागल से आमना सामना हो गया, चिल्ला नहीं चाहिए। ये ले नोट, रख ले जा। अबे 10 रुपए दिए वो भी फेंक दिए, पागल का पागल ही रहेगा तू। अरे क्या पैसे दे रहे हो उसको यार, कैसा है उठना, क्यों उसके पीछे उठा, चल ए चल भाग रे, चलो चलो हाँ चलो चल चल छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे उस दिन वो लड़की देखी थी ना, चलेगा चलेगा, मस्त थी ना एकदम। वो तो बात मैं बहुत बार तू बता ना तू क्या कर, दिखी नहीं कैसा है ब्रो? यार ये तो आ गया लेकिन वो नहीं आया अभी तक। ये उधर देख मुन्नी आ रहा है अपनी बहन के साथ, चल चल इसको रुकाते हैं।
ये देख। और भाई कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? हाँ, साउंड स्पीकर्स की तरह डीटीएस में कहाँ भागते हुए जा रहा है? या फुल होम थिएटर जैसा ही है। भैया ये सब लोग कौन है भैया? देखो ये मेरी बहन है, अभी बकवास मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो, चलो हटो साइड दो। जा मुन्नी, इस स्पीकर को हमारे हाथ में छोड़ के जा, थिएटर में जैसा साउंड आता ना वैसा इस्तेमाल करके बाद में तुझे दे देंगे। देख फालतू की बकवास मत कर वरना बहुत भारी पड़ेगा। हाँ चल चल। अब ये फूल किसको दूं मैं? बाय। मुन्नी की बहन कितनी मस्त दिखती है यार। हाँ यार, यार कुछ सेटिंग करना चाहिए उसके क्या लिए। बात है, कुछ करते हैं। एक दिन हमारे हाथ में आके ही रहेगी, तब देखेंगे। बिल्कुल मस्त है। वैसे शॉर्ट्स में मस्त लगती है ना। सही बोला। छोडूंगा नहीं मैं तुझे, छोडूंगा नहीं। हाँ यार, जिधर भी जाऊं वहीं मिल जाता है। पता नहीं क्या क्या बकबक करता रहता है ये मुझे। किधर है वो? वो उधर से आ रहा है, लगता नई कटिंग करा लिया। बैठ। कैसी कटिंग है ये? स्टाइल है यार। वो लोग किधर गए? उन लोगों के घर तक गया था लेकिन वो लोग मिले ही नहीं। मेरे आने के टाइम पर एक आंटी मिली, ऐसे घिस रही थी। क्या बेटा? बर्तन पागल, बर्तन घिस रही थी। हाँ बहल, हाँ बहल, तू भी ना। अरे क्या हो गया यार इसको, ये इधर से उधर घूम रहा है बार बार, कुछ दिनों से चुप चुप रहता है, हुआ क्या है? इधर बैठे हो क्या बच्चे लोग? वो दो कमीने किधर चले गए? तब मेरे साथ मेरी बहन थी इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। लड़की के सामने हीरोगिरी मत दिखा, अब लड़के लेके आया हूँ, अब दिखा हीरोगिरी। अरे यार गलत टाइम पे आ गया तू, झगड़े करने का मूड नहीं है। ए, तुम लोगों के अंदर ताकत है क्या जो मुन्नी को हाथ लगा के दिखाओ जरा? अगर कुछ हो गया ना तो जरिया ढूंढते फिर के बचने का। अबे तू तो इसके साथ में था भी नहीं ना उस दिन। अबे क्या करता है, अमूल बेबी के जैसे दिखता है, कितना बात करता, जरा चुप रहो। अरे बोल दिया ना झगड़े का मूड नहीं है, जाओ ना। क्या बोल रहे, काहे को चुपचाप बैठे तुम लोग? ए प्रवीण दमे तो आना, चुपचाप काहे को बैठा है? दो तीन लोगों को क्या घर भेजेगा, यहीं पर रहूंगा, यहीं से ऊपर भेजूंगा तुझे। ए, मारेगा तू भाई, ले मार, छोड़ ए, 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 अरे ये तो अमूल बेबी के जैसी बातें कर रहे हैं। चुप रहो तुम लोग। ए प्रवीण दम है तो आ, नहीं तो चुपचाप बैठ, मेरे से पंगा लिया ना तो आज के बाद दिखना नहीं। सब चलो निकलते हैं, निकाल इधर से। शांत रहो यार। साले कितनी बकवास करके गए, टांगे तोड़ देनी चाहिए थी इनकी। हे, उस दिन उसकी बहन के साथ छेड़खानी की थी इसलिए लड़के लेकर आया था। हे, चल निकलते हैं, जगह बराबर नहीं है। चल हाँ चल, निकलते हैं। चल। सिगरेट ले लेना। हे, निकाल बराबर। खींचना अच्छे से, सिगरेट में खींच। इधर आ, हाँ। उसके तरफ। हाँ। थोड़ा और क्या? थोड़ा यार, पीछे यार। सॉरी मैं आज नहीं आ पाई यार, मुन्नी की बहन आ रही है यार। कोई बात नहीं, मैं कल पक्का आऊंगी। हाँ कह रही हूँ ना, आऊंगी। तुम भी ना। चल साइड में लेके जा, साइड में लेके जा, चल चल चल। छोड़ूंगा नहीं मैं। बेटी क्या
किसने मार दिया मेरी बेटी को? किसने मार दिया? सिद्धू, मेरी बहन को किसने मारा होगा यार? तररी रा, क्या सोच रहा था? अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोच। मेरी बहन को कौन मार सकता है सिद्धू? तररी रा, मुन्नी सुन रहा है क्या? मुन्नी, मुन्नी मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक तांत्रिक है, वो बता देगा। पक्का ना? पक्का बोल रहा हूँ, बता देगा, वो बता देगा, सब बता देगा, उसके पास जाते हैं। ठीक है, चलो फिर। आजा चल, आजा, पक्का पता चलेगा ना भाई? हाँ हाँ बिल्कुल। हम जान गए हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। क्या भाई, अभी तक कोई मिली नहीं है क्या? देख भाई उधर देख, ये किसी काम का नहीं है। क्या बात है, आज तू आई है? तेरे पति नहीं आए सामान लेने? मेरे पति गांव गए हैं, एक सप्ताह लगेगा उनको आने में। क्या रे, फोन पे क्या कर रहा है तू? देख क्या मसाला है, है ना मस्त? हाँ ये तो बढ़िया है यार। ये देख गोपी, देख इसे वर्कआउट हो गया तेरा, जैसे कभी देखे ना। मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। क्या बात है, तुम्हें तो बहुत जल्दी पड़ी है। पैसे ज्यादा लगेंगे। बस मैं भी आता हूँ। और तुम यहां से कहीं जाना मत, मैं अभी बस पैसे लेके आता हूं। पैसे का इंतजाम करके अभी आता हूं। जल्दी आना, आज पूरी रात मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूं, इसलिए जरा पैसे का इंतजाम करके आता हूं। भाई आज पूरी रात मैं आंटी के साथ रहने वाला हूं, कुछ पैसे तो दो ना, अर्जेंट है यार। यार मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं भाई। ले इतने ही है। थैंक यू यार। क्या हमेशा पैसे लेता रहता है ये? लगता है अंधेरे में मिठाई खिलाई इसको, अगली बार मिलेगा क्या इसको? चल 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 चलते हैं। हाँ चल भाई, हाँ ठीक है चलो, चलते हैं चलते हैं। चलो भाई। एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। चलो हल्का हो लेता हूँ। छोड़ूंगा नहीं, पागल हो गया, छोड़ूंगा नहीं, पागल हो गया, चलो सर, बेवकूफ कहीं, छोड़ूंगा नहीं। हाँ कौन है?
अरे ये कौन है? कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ए मुन्नी कहाँ गए यार? अभी तो यही थे, कहाँ हो? किधर हो तुम लोग? सामने आओ, हिम्मत हो तो सामने आओ। मंजा, मंजा, क्या बकवास सपना है। मंजा मर गया, कुछ चांस ही नहीं है। अमो जल्दी आ बेटा, अच्छे से बैठना बेटा। अमला बाय बेटा। आता हूँ दीदी। एक संभल के बैठो। लो बेटा आ गया स्कूल, आराम से जाना। बाय बाय बेटा। वेंकटेश्वराय गोविंदाय जानकी वल्लभाय विनायका। क्या पापा, आपको लड़की देखने के लिए बोला था और आप यहाँ शराब पीने बैठे हो? अरे मुंह पे मुंह जाया नहीं कि चिंतामणि चाहिए मेरा बेटा? क्यों पापा, तुम्हें 14 साल में लड़की चाहिए थी, मुझे नहीं चाहिए? अरे ओ मेरा बेटा, 14 साल में मुझे लड़की नहीं चाहिए थी, मेरी माँ बुजुर्ग हो गई थी, बस इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने तेरी मम्मी को ढूंढ के 14 साल में मेरी शादी करा दी। ए बेवकूफ, मुझसे सवाल पूछ रहा है? जाके काम ढूंढ, बाहर निकल बाहर, समझा कुछ? उद्योगम पुरुष लक्षणम, काम कर और राजा बन। अगर समय नहीं बचा तो क्या करेगा? सीधा तो तू खड़ा नहीं हो पा रहा है बे, बीवी आ जाएगी तो तेरी नींद भी हराम हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाएगा। लो 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 पियक्कड़ खूब पियो, लड़की का नाम लिया तो इतना सुनाया। अरे इतना सुनाता है क्या कोई? जब देखो तब बड़बड़ाता रहता है, पता नहीं कितना का शौक। रुक जा शाम को आएगा तेरी कमर तोड़ के रख दूंगा, शादी करेगा बोलता है। शादी के लिए कमर को टाइट करना पड़ता है। ओ कहावत है, कमर में दम नहीं हम किसी से कम नहीं। बड़ा आया शादी करने वाला, शादी करेगा। सही कहावत एकदम, कमर में दम नहीं हम किसी से कम नहीं। काम धंधा है नहीं, शादी करेंगे लोफर लोग। ये साला फोन भी नहीं उठा रहा है। छोड़ूंगा नहीं।
चल तुझे पीछे मत कर, भाग, छोड़ूंगा नहीं, चल जा पागल, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे अरे कहाँ से भागा आ रहा तू? वो पागल पीछे मैच के लिए रनिंग प्रैक्टिस कर रहा है क्या तू? क्यों यार, दम चाहिए क्या तुझे? क्या रे, ड्रिंक चाहिए क्या या लड़की चाहिए? किसको बेवकूफ बना के आया? पागल है यार पीछे। अरे कोई नहीं है उधर। इसको देखे भाग के आया, पागल है। अबे ये पागल, इससे मत डर, हमारा दोस्तों के डरता है। चल जा इधर से, चल। अबे जाना। ये क्या रे, जब भी देखो छोड़ूंगा नहीं बोलता रहता है। तूने कुछ कहा है क्या इसको? नहीं यार, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। ए वो पागल ही है रे, तू चल यहाँ से, चल। ए निकल यहाँ से। कैसा है यार? अरे छोड़ ना, कुछ भी बोलता है। लेकिन अजीब है यार। क्या है? नहीं रे, मैं पागल से। हाँ यार, तू भी बहुत डरपोक है। ए तू है क्या? देख थक गया मैं दिव्या। देखा ना, ये प्यार भी कैसी चीज है जो एक दूसरे को इतना बेचैन कर देती है। चल मैं आता हूँ। हाँ, मैं तुझसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। दिव्या तू मुझसे शादी कर ले, करेगी ना? चल मेरे साथ। अरे चल ना, चल। मैं जानता हूँ तू मेरे साथ शादी नहीं करने वाली, अच्छे से जानता हूँ मैं। जा घर जा, ठंड लग जाएगी तुझे। दिव्या तू मुझे बहुत याद आ रही है, भूल नहीं पा रहा हूं तुझे। क्या है यार, क्या कर रहा है तू? कैसा है? चिकन की जगह पे चॉकलेट हाथ में? हाँ, पायल ने दी है। पायल ने दिया है? कौन है भाई वो? कितने दिन से चल रहा है ये सब? ऐसा कुछ नहीं है यार, 4-5 दिन से चल रहा है। वो बहुत सुंदर है। सुंदर है, सुन रहे हो ना भाई? चॉकलेट देके चटाई पे सोने का काम कर रहा है। हाँ यार, उसे चॉकलेट देके मैटर क्लोज करने की सोच रहा हूँ। उसी का दिया हुआ चॉकलेट उसी को वापस देके तू मजे करेगा क्या? बढ़िया आइडिया है तेरा, तो एकदम फोकट में है कि नहीं? सीखना पड़ेगा भाई इससे कुछ। इसको तो लल्लू समझते थे हम, लेकिन हमसे आगे निकल गया भाई ये तो। हाँ, अरे प्रवीण कहाँ जा रहा है? प्रवीण, रुक जा यार, सुनना, अरे चलना। दिव्या, दिव्या रुक जा, दिव्या प्लीज, दिव्या मेरे साथ तू ये खेल क्यों खेल रही है? मुझे प्यार चाहिए, उसके बदले मुझे दर्द मिला, इज्जत चली गई,
अब तू ही कुछ कर सकती है दिव्या, प्लीज छोड़ दे मुझे। ए दिव्या छोड़ के चली जा तू, प्लीज चली जा यहाँ से। ए दिव्या छोड़ दे मुझे, जा जा चली जा, कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। क्या यार जा, अरे किससे बात कर रहा है तू, किसे देख रहा है, क्या हो गया तुझे यार, ये किससे बात कर रहा है, क्या हो गया भाई बोल तो, चल 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 यहाँ से, चलो चलो। क्या हुआ इतना टेंशन में दिख रहा है यार तू प्रवीण, तू बताएगा तब तो ना हमें पता चलेगा। यार यार ये कुछ बोल ही नहीं रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया यार, इसको देखता रहता है, किससे बात करता है, पता नहीं क्या हो गया यार, पागल हो गया लग रहा है यार, और नहीं तो क्या, वरना ऐसे थोड़ी ना बर्ताव करता। ए प्रवीण, अरे क्या हो गया तुझे, टेंशन है ऐसे क्यों कर रहा है ऐसा, कुछ नहीं यार छोड़, पता नहीं यार। हे प्रवीण, अबे क्या हुआ तुझे, कूल डाउन, क्या टेंशन है इसको, क्या हो गया। ए कुछ नहीं हुआ छोड़ो। ए अरे आना भाई इधर, टेंशन मत ले तू, चल। क्या यार, स्वीट सी लड़की के लिए मैं चॉकलेट लेके आया था, बस अभी क्या हाथ में लेके, ठीक है चल, तू चल यार इधर से चल। ए विनीता किधर घूमने का मन कर रहा है यार, चल ना यार, देख कितना अच्छा मौसम है, चल ना कहीं घूमने चलते हैं। तो मुझे यहाँ क्यों लेके आए, देखना कितना अच्छा मौसम है, मुझे बहुत डर लग रहा है विजय। इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैंने कहा ना मुझे डर लग रहा है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ, पता है, तो दो मुझे, ऐसे नहीं पहले आंखें बंद करो अपनी। ये देख इसे, इसको ही बोलते हैं लव। कौन हो तुम लोग, तेरी तो कौन हो पूछता है, आवाज नीचे करके बात कर, मार मार भैया, मत मारो उसे, मार रहे हो, ए ले भी गड़ा बोलेगा, क्या भी गड़ा हमने तुम्हारा, ए चुप, तू चुप बैठ, जाने दो, क्या मुझे पूछेगा तू, हां जाने दो हमें, कौन है हम लोग, चुपचाप जो भी बोलूं वो कर, अरे क्यों मार रहे हो, तेरी तू बैठ, छोड़ दो भैया, छोड़ो ना बैठ, जाने दो प्लीज भैया, छोड़ दो उसे, क्या कर रहे थे तुम लोग, बैठ के इधर, ए समझाया ना, चलो चलो हमने क्या बिगाड़ा, चलो करो अभी केस, जाने दो ना, लव करो अभी, करो लव, प्यार प्यार करो, चलो करो 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 लव, मान लो ना, ए करो, बना 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 अच्छे से, बना अच्छे से, हां हां यहां से, हां हां, ए दिखा दिखा, प्यार का मतलब है कि लड़का लड़की शादी करें, ना कि इधर आके अकेले में बैठ जाएं और इधर आके गंदी हरकत करता है, हट तू, चले यार ये बेवकूफ लोग, चल लेके आए थे विनीता, हमारा वीडियो रिकॉर्ड बना के ले गए वो, विनीता छोड़ो मुझे, मेरी बात सुनो विनीता, कुछ नहीं कर रहा, विनीता मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी विनीता, अगर मेरे घर में पता चल गया तो, रुको विनीता, विनीता अरे रुको तो सही, अरे मेरी बात सुनो ना, अरे सुनो तो सही मेरी बात, अरे मेरे प्यार पे विश्वास नहीं है क्या तुम्हें, अरे सुनो विनीता मेरी बात सुनो, विनीता मेरे पीछे मत आना, अरे विनीता, यार मैं भी किसी लड़की से प्यार करता था, उसका नाम था पूजा, बहुत अच्छी लड़की थी, थोड़ा टाइम बीतने के बाद उसे हीरोइन बनने का मौका मिला, हमारे एरिया में ही शूटिंग चलती थी, सब लोग उसे देखने आते थे। वो दिन भी कितने अच्छे थे ना, मंजू भाई किधर है, क्या हुआ बोल, क्या हुआ इसको, मैं वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड लेके गया था, वो प्रवीण के लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड का और मेरा वीडियो बना डाला और मुझे बहुत मारा, चल बता कहाँ है, ये देख इधर देख, कितनी मस्त एकदम कड़क है, क्या यार मस्त है, यूट्यूब पे डाल दे, डाल दे, यूट्यूब पे डालता हूँ, पूरी दुनिया देखेगी क्या चीज है, या प्रवीण अभी आया नहीं है, वो आने वाला ही नहीं है, चल चल इधर मिलेंगे क्या ये लोग, इधर ही मिलेंगे वो लोग, कहाँ है बता कहाँ है, यही कहीं मिलेंगे वो लोग, चलो देखते हैं, ए यार भाई भाई देखो रे, पकड़ो, अरे रुक, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चल निकल निकल निकल, चल चल भाग भाग, पकड़ पकड़ जल्दी जल्दी भाग, पकड़ यार जल्दी कर, पकड़, अरे छोड़ो मत, आ जाओ आ जाओ,
काट दूंगा तुझे मैं। मेरे पापा ने कहा है कि पीने वालों के साथ ही घूमने का, कुत्ते लोगों के साथ नहीं। तू मुझे काटेगा, मैं तुझे काटूंगा। मेरा दिमाग खराब है, मैं कुछ बोलूंगा तुझे समझ नहीं आएगा, इसलिए चुप बैठ, मैं पापा को बुलाता हूँ। अरे चुप रहे ना यार, बुलाता हूँ मैं। शत्रुवाहिनी नौशय नौशय, मंत्रवाहिनी तोटय तोटय, ओम रीम क्लीम। चल भाग भाग। अबे क्यों धक्का मार मुझे? हे हे भाई, क्या हुआ तुझे? क्यों सिर मार रहा है दीवार में? हे हे, अबे ऐसे क्यों हंस रहा तू? क्या कर रहा है तू? हे हे भाई, क्या हुआ यार तुझे? हे 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 हे, अबे ऐसे क्यों हंस रहा है तू? क्या हुआ तुझे? हे अरे पापा पापा। मुने देख कैसे डेंगे मारता था, अब देख कैसे बैठा है। देखे जरा किस में कितना है दम, जम कर रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा किस में कितना है दम। तू गाना गा, गाना ही गा। गाना गाते गाते ना हार्ट अटैक आ जाएगा एक दिन तुझे। हार्ट को अटैक देने वालों में से हम हैं। ए मुनि, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, इससे पहले मैं मेंटल हो जाऊं राइट से निकल ले। लेफ्ट राइट तो बच्चे करते हैं, समझा ना तू? निकल। ए चलो 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 रे, इनके मुंह नहीं लगने का, इनका बारूद भीग चुका है अभी। ए प्रवीण, अरे यार कहां जा रहा है तू? अरे सुन ना भाई। अरे प्रवीण, अरे भाई क्या हुआ आजकल, तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है भाई? क्या बात है, मुझे अपने दिल की बात बताएगा या अपने ही दिल में रखेगा तू? छोड़ ना यार। क्या हुआ यार, पागल हो गया हूं मैं?
जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचता हूँ, वही सारी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं और पागल हो जाता हूँ मैं। ना सोचते हुए भी रात में आया सपना मुझे पागल सा कर देता है। क्या चल रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। मंजा अपी कहाँ गए वो भी पता नहीं। उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये सब मेरे दिल में, मेरे दिमाग में हर जगह घूम रहा है। मैं चाहकर भी इसे भूल नहीं पा रहा हूँ। यार ये सब सोच के मूड मत खराब कर तू, चल चलते हैं, चल ना। भाई तुझे एक बात बोलनी है, बहुत सीरियस है, एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। सीरियस है? इससे भी ज्यादा सीरियस है क्या? हाँ शाम को आराम से बात करते हैं, चल जा अभी। प्रवीण तू तो मेरी बात सुन ले यार। अभी छोड़, शाम को बात करते हैं। अरे हाँ पर मंजा के बारे में कुछ पता चला? पर सुन लेता यार तो ठीक रहता। अरे बोला ना शाम को आराम से बात करते हैं यार। ये बच्ची मुझे क्यों देखती रहती है? हाँ यार, हाँ यार। अजीब तरीके से देख रही है। अजीब ही देख रही है। कहाँ थी तू, तुझे कितना ढूंढा, चल बैठ गाड़ी पे। एक मिनट रुक, निकालने तो दे, ये ले रख इसे। ये चिप तू मुझे क्यों दे रहा है यार? ये तेरे पास ही रख, ये तेरी हेल्प करेगी जब भी तू मुसीबत में हो। ए, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुझे। संतु तुझे एक बात बोलूं? हाँ बोल ना। रात को मुझे दिव्या दिखी थी। क्या बात कर रहा है यार? हाँ भाई, रात में मैंने दिव्या को ही देखा था। वो पागल छोड़ूंगा नहीं बोलता है, वो हमें ही। यार ये बात प्रवीण को बोलते जाके चल। हाँ चल। मिल गए हराम खोर लोग। चल छोड़ मत, चल चल पकड़ 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 इसको। ए रुक, ए रुक, पकड़ यार, पकड़ पकड़ पकड़। तेरी ऐसी कैसे जाएगा, बच के पकड़ यार। ए कौन है? मेरे पापा ने पीने वालों के साथ मत बैठ बोला, पर भूतलों के साथ कभी मत बैठ नहीं। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। अरे देख, अरे ये देख मोबाइल। हाँ चिप दी थी उसने, चिप कहाँ गई? देखते हैं यहीं कहीं होगी। लेकिन यार ये मोबाइल यहाँ पहुंचा कैसे, पता करना पड़ेगा। चला जा बैठ, आराम से बैठना। बैठ गई ना? पता नहीं क्यों अम्मू ऐसी हरकतें कर रही है, आधी रात में उठ के बैठ जाती है, कुछ ना कुछ सोचती रहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी, क्या करूं? यहाँ क्यों बैठी हो? ये आपको कहाँ मिली भैया? यहीं रोड के पास। तुझे स्कूल जाने को कहा था, कहाँ चली गई थी तू? हाँ बताना, स्कूल बंक करके कहाँ गई थी तू, और ऐसे आंखें फाड़ के क्यों देख रही है? हाँ बोल बेटा, कहाँ गई थी तू? मैंने तो ऐसे स्कूल छोड़ा था। तुम तो एक बार स्कूल के अंदर छोड़ के आ जाते थे, पर ये तो स्कूल के अंदर जाती ही नहीं थी। इसके सर ने मुझे बुला के बोला, 3-4 दिन से ये स्कूल गई ही नहीं। तो कहाँ जाती थी बता? हाँ बता बता बेटा। अम्मू भैया आप इतने प्यार से पूछेंगे ना तो ये कुछ भी नहीं बोलने वाली है। रुक, बोलती क्यों नहीं, चुपचाप क्यों खड़ी है, बोलना।
देखो कैसे जा रही है। ए अमु, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। छोड़ो दीदी, आप अंदर जाओ, मैं इसको लेकर आता हूँ। जाओ। इसे क्या हुआ भैया, कुछ नहीं पता, जब देखो तब पागलों जैसी हरकतें करती रहती है। सर मैंने चिप दी थी, उसके फोटोज रेडी हो गए क्या? रेडी है। दीजिए ना सर। वन सेकंड। ये लीजिए। कितना रुपया सर? ये लीजिए सर, 40 रुपीज। थैंक्स सर। यू आर वेलकम। क्या हो सकता है इन फोटोज में? प्रवीण, साला इतने दिनों से पागल का मुखौटा डाल के हमें बेवकूफ बना रहा था, चल ढूंढते हैं। और नहीं तो क्या, काम मिलेगा वो, चल। हाँ बिल्कुल, नहीं छोड़ेंगे, चल। साला क्या गेम खेला हमारे साथ, आज छोड़ेंगे नहीं उसे, चल। ए सर, हटो हटो। ये साला मास्क रख के अपने साथ गेम खेल रहा था। शिट, अगर उस दिन राजू की बात मानी होती ना तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। अपनी तो तकदीर ही खराब है। कुमार, कुमार, दिव्या घर आने के बाद अपने आप कहीं और चली जाती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ करो ना। आप चिंता मत करो दीदी, मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करता हूँ। भाई, अपना राजू, मंजा, अप्पी सबको पागल नहीं मारा होगा, आज तो पागल भी नहीं बचा। हमें कुछ नहीं होगा ना? हाँ भाई, हमें कुछ नहीं होगा ना? हाँ हमें कोई खतरा नहीं है ना? हाँ अरे बोल ना। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, जरा देखना कौन है। देखता हूँ। आपका कोरियर, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। कुमार, ये किसका लेटर है? देखता हूं, पता नहीं किसका है दीदी। पढ़ो ना, पढ़ के बताओ इसमें क्या लिखा है। हमारी दिव्या को मार डाला। दिव्या को मार डाला? किसने मार डाला? मेरी बच्ची। दिव्या किसने भी मारे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान, मेरी बच्ची को किसने मार डाला?
मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। मटेरियल कल ही भेज दो सर। हाँ भेज देता हूँ कल। ओके जल्दी जल्दी काम करो। हाँ नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्कार भाई। नमस्ते। और मुन्नी भाई इधर कैसे? हाँ कुछ खास नहीं, वैसे मेरे लड़के लोग चंदा मांगने आएंगे तो उनको चंदा दे देना। आपके लड़के लोग मांगेंगे तो हम मना थोड़े ही करेंगे भाई। मैं पैसे भेज दूंगा, लड़के आने वाले हैं ना। क्या भाई तुम पहले जैसे नहीं रहे, एकदम डल हो गए। उस केस का क्या हुआ, कुछ पता चला? अभी तक नहीं पता चला, जब पता चलेगा तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है भाई, गोडाउन की तरफ कुछ काम है, मैं खत्म करके आता हूँ, अभी चलता हूँ। ठीक है मुन्नी, तुमसे थोड़ी बात करनी है। किस बारे में? तुम्हारी बहन के बारे में। मेरी बहन के बारे में? बात सुनोगे तो शौक लग जाएगा। मुझे शौक लगेगा, ऐसी कौन सी बात है? वो क्या है ना, तेरी बहन को मेरी बहन, मेरी बहन को क्या? बात तो सुन, बता मुझे। शांति बोल, जल्दी जल्दी बता कि क्या बात है। उस प्रवीण ने और उसकी गैंग ने तेरी बहन का रेप करके उसको मार डाला है। तुझे कैसे पता चला? मेरी बहन की बेटी को भी ऐसे ही मार डाला। यार प्रवीण कहाँ लेके जा रहा है यार? भाई उधर नहीं जाएंगे, चलना वापस चल। ए, चुपचाप चल मेरे साथ। अरे प्रवीण चल। अरे यार इधर रुकेंगे तो हम लोग जिंदा बचेंगे क्या? तुम लोग भ्रम में जीते हो, भूत के पास जाएंगे तो वो हमें जिंदा छोड़ेगा क्या? भूत तो नहीं छोड़ेगा समझा, लेकिन ये दिमाग खराब करती रहती है। तू पागल हो गया है। चलना घर चलते हैं। आओ चाहे छोड़ो मत, पकड़ो सालों को। पकड़ो 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 से चाहे ना भाई, पकड़ मारो सालों को पकड़ो। पकड़ो पकड़ो मार। ए, रुक जाओ, चलो उधर से जाएंगे वो लोग, जल्दी उधर से जा। चलो चलो। ए, हो रहे वहाँ पर, चलो हो रहा है, पकड़ो मारो उनको, छोड़ना नहीं इनको। ए, रुक। पकड़ो इसे, चलो जाओ, छोड़ो मत, पकड़ो उधर से। अरे अरे पकड़ो उसको, पकड़ो, चलो जाने ना पाए। पकड़ यार। अरे रुक। मारो इसको, छोड़ना नहीं इसको बिल्कुल। औकात में चल।
जल्दी चल संतू। संतू 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 प्रवीण, संतू कहाँ है तू? प्रवीण बचा। संतू भाई, संतू, ए दिव्या, संतू को क्या किया तूने? क्या किया तूने? पूजा होना चाहिए अंकल। सेवक ना मारो, सेवक ना मारो, मारो दे सेवक नाम। स्लीपर यहीं छोड़ दे। नंते नन्ना सेवक नाम आड़ो, सेवक नाम आड़ो, निन्नंते नन्ना सेवक नाम। लाओ बेटे, ईश्वर आपकी रक्षा करे। मारो ते आशीर्वाद सबको दो और सबको तकलीफ से बचाओ भगवान। तू चल, मैं आती हूँ। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। ए, अगर ये फूल नहीं लिया ना तो घर नहीं जाने दूंगा। ले ले रे, फ्रेश है एकदम। ये भगवान तो तुमसे नहीं बोलते हैं कि तुम यहाँ आकर उनकी पूजा पाठ करो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आके उनकी पूजा करते हो। मैं इतने दिनों से तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ते की तरह घूम रहा हूँ, फिर भी तुम कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अरे बाप रे, तुम्हारी आंखें कितनी बड़ी हैं, क्या पावर है इनमें। ए, इन रोजेज में सिर्फ मेरी विशेज ही नहीं है, मेरा प्यार भी छुपा है इनमें। एक बार सोच के देखना तुम, ये रोजेस जितने फ्रेश हैं उतना ही मेरा प्यार भी सच्चा है। ए, दिल की बात दिल में रखने से कुछ नहीं होता, दिल की बात बोल देनी चाहिए। दिव्या, ए दिव्या, ए भगवान कैसे समझाऊं इसे। याहू फ्रेंड्स, इतना क्यों खुश हो रहा है भाई? आज तेरी भाभी का जन्मदिन है, जितनी चाहे पियो पियो। ये जो गांव का फंक्शन होता है ना, और बच्चा पैदा होने की खुशी, दोनों में दारू पीने का मजा ही कुछ और है। कीचड़ में ताजमहल क्यों बना रहा है भाई? तो कीचड़ में ज्यादा मत घुस, कीचड़ में घुसेगा ना तो तू गंदा होगा और खुशबू नहीं आएगी, बदबू आएगी तुझसे, समझा? ए, उसी कीचड़ में ही कमल का फूल भी खिलता है। अगर उस लड़की के दिल में मैं अपने प्यार का कमल खिला दूं तो हाँ? हाँ यार, हर एक लव स्टोरी में एक ना एक विलन तो रहता ही है, तेरे प्यार में भी कोई ना कोई विलन है। छह, ऐसा कोई भी नहीं है यार। कोई तो है, नहीं तो अभी तक प्यार का ग्रीन सिग्नल क्यों नहीं मिला? कोई हो तो बोल देना, देख लूंगा उसको। ए प्रवीण, अगर मुलन का ग्रुप हुआ तो क्या करेगा? बोलना क्या करेगा तू? तू नहीं बोलेगा पता है मेरे को। ए चल, तू सॉन्ग लगाना। हाँ यार, सॉन्ग ही प्ले करो। हाँ, लगा था, हटका टंक टका, हटका टंक टका, टंक टका, हटका टंक टका, लगे दीवाना तू ऐसे मुझको न छू, मेरी जवानी पे लट्टू है तू। टंक टका, हटका टंक टका। ए प्रवीण, पेट पूजा करनी है यार, जल्दी चल, नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। रुक रुक, वो लड़की रोज इसी रास्ते से कॉलेज जाती है, आती होगी। रुक बेटा, तुम्हें कुमार ड्रॉप कर देगा। नहीं मां, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। क्या हुआ यार, उसके फ्रेंड्स आए नहीं क्या? अकेले जा रही है। हाँ यार, देख मेरी जान ब्लैक एंड व्हाइट में कैसी कलरफुल लग रही है। हाँ हाँ,
हाँ सही टाइम है, आज बात करके ही रहना। ए प्रवीण जाना बात करना। ए ए दिव्या, मैंने जो रोजेज में तुझे प्यार भर के दिया था उनका क्या हुआ? मैं ड्रॉप कर दूं क्या? ड्रॉप कर देता हूँ। ए ए दिव्या, क्या यार, हमारे से अच्छा नसीब तो ऑटो वाले का ही है। क्या प्रवीण, वो निकल गई यार। हाँ भाई निकल गई। ले भाई तेरी डबा दे, बोल कुछ डब शैम्पू दीजिए ना। ए दिव्या, क्यों इतना नाटक कर रही है तू? मैं हूं ना तेरा लाइफ टाइम का स्टिकर। डब शैम्पू तो ले रही है, कभी लव के बारे में भी सोचना। अकाउंट में लिख दीजिएगा। ए ए दिव्या, आराम से चल, चप्पल घिस जाएगी। हाँ तुझे क्या वो सच में लाइक करती है? शैम्पू करने से जितना झाग आता है ना, उतना प्यार करती है, उतना प्यार करती रहेगी। बस मुझे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, समझा? अपना भी टाइम आएगा दोस्त, चल चल। आंटी हमारा भी दिव्या के अकाउंट में लिख देना। दिव्या। हाँ मम्मी। बहुत रात हो गई है बेटा, किताबें बंद करके सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवी पर्सन अम्मू, बहुत लेट हो गया, हम सो जाते हैं। हाँ हेलो भाई, कैसा है तू? हाय। तो क्या करूं? मैं जानता हूं भाई, तू अपना ताजमहल बना के रहेगा, दिव्या के साथ लव सक्सेस करेगा। क्या यार, कहां तक पहुंची बात? ताजमहल बना के नहीं अभी? सुपर बेटा, बात करते ही तूने घर बनाने का सोच लिया। एक एक ईंट से ही घर बनता है बेटा, समझा कि नहीं? बनाना पड़ेगा तब जाके लव सक्सेस होगा। ए दिव्या, मेरे प्यार को मना मत कर, धूप में मेरा प्यार छाते की तरह काम आएगा। भाई बराबर है भाई, हम लोगों के बीच एक देवदास पैदा हो गया है। अरे एक बार देखने से प्यार थोड़ी पैदा होता है, अंदर जा रही है, अंदर से अगर बाहर आई और देखा तो प्यार सक्सेस। जब भी देखो घर के बाहर ही मरते हैं सबके सब। अब तो तू बिल्कुल सही है भाई, इसके प्यार के चक्कर में तू देवदास बन के ही रहेगा। भाई हमेशा तू ही जीते, हमारा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। ए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके ओके, अगर जैसा तुम बोल रहे हो वैसा हो गया तो मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए फुल पार्टी। हां तो फिर चलो। ए तू ऊपर ही बैठा रहेगा क्या? अरे क्या यार, तू रोज बालों का अलग अलग स्टाइल करके आता है। स्टाइल है बेटा स्टाइल, भगवान ही बचाए। यार कैसा लगा मेरा हेयर स्टाइल? मेरे दादाजी का भी यही स्टाइल था। आजकल कितना रेट बढ़ गया इसका, सारी चीजें महंगी हो गई। ए ला चश्मा इधर दे, अब तो मैं चश्मा लगा के ही लड़की बताऊंगा। हाँ ले। करेक्ट बोला तू, बिल्कुल सही बोल रहा है तू। ए प्रवीण क्या करेगा अभी? अरे पीछे मुड़के देखेगी नहीं, और तू पीछे जाना छोड़ेगा नहीं। ए ए दिव्या, एक बार तो घूम के देखना पीछे। घूमी क्या प्रवीण, घूमी क्या? ए थू तेरे पे, थू थू तेरे पे। ए आज नहीं तो कल घूमेगी, बस थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नहीं देखेगी तो पिक्चर जैसा सीन करना पड़ेगा। चल हां ठीक है, हां चल ना बस कर। ये कितना सुंदर है ना दीदी, मैं लूं ये वाला भी? बस अभी चल, बहुत हो गया, बस हो गया, चल। ए दिव्या रुक तो जरा, बात तो सुन। ए दिव्या, ए तू मुझे अच्छी लगती है। ए दिव्या, गुस्सा खाली तुझे ही नहीं आता, मुझे भी आता है। तुझे गुस्सा आता है तो तू हाथ छुड़ाकर चली जाती है, मुझे गुस्सा आ गया ना, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्या कर डालूंगा, समझी ना? बहुत हो गया तेरा, मैं तुझे इज्जत दे रहा हूँ और तू मेरी बेइज्जती करती जा रही है, बुरा लगता है मुझे। यार संतू बेवड़ा है तो उसे बेवड़ा दास बुलाते हैं, है कि नहीं? और देवदास होता बेवड़ा दास छोड़ के देवदास बुलाते। दम मारने वाले को दमदार क्यों नहीं बुलाते भाई, ये तो दुनिया का उसूल है। हेलो, हाँ आज आती हूँ मैं आती हूँ, मुझे मिस मत करना। क्या दिखती है यार, फोन पे बात कर रही हो?
जी हाँ। कौन सी कंपनी का फोन है? नोकिया। नोकिया? अच्छा वो। अरे किससे बात कर रही है? मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। माँ है या तेरा बॉयफ्रेंड है? हाँ? पापा किधर है? मम्मी देखो ना ये कौन लोग हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। अम्मा को बुला रही है अपनी। चल चल चल। क्या हुआ भाई, ऐसे उदास क्यों बैठा तू? प्रवीण अभी तो लव शो में गेम खेल रहा हूँ यार। इसको देखा आते फिर से चालू हो गया। सुन, पागल भी हो जाऊंगा तब भी प्यार करूंगा उससे। यार प्रवीण, अब कितना दिन उसके पीछे भागेगा तू? छोड़ना अभी उसको। ए, वो मेरा फर्स्ट लव है, मेरे दिल में फिक्स हो गई है वो, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। ये गया काम से। क्या प्रवीण, अभी इसके पीछे और कितना टाइम बर्बाद करेगा तू अपना? छोड़ दे अब उसको। देख इसको देख, शोकेस में टेडी बियर। चुप कर टपोरी। ए, तू क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? एक तो तूने गलत लड़की से प्यार किया है और ऊपर से बार बार उसके पीछे चुपचाप बैठ रहे, हाथ में बॉटल रख के, चेहरे पे दाढ़ी बढ़ा के, गाना गा के यहाँ वहाँ घूमता ही रहता है। नहीं यार, वो मेरे प्यार को हाँ बोलेगी, हमारी लाइफ अच्छे से कटेगी, वो मुझे मिलेगी ही, ये भरोसा है मुझे। क्यों, क्या तूने ज्योतिषी को कुंडली दिखाई? नहीं रे, अपने दिल से पूछा है। प्यार में पड़ने के बाद सपना देखना, पागल होना, ये तो आम बात है, लेकिन तूने इतना प्यार करने के बाद भी उसने तुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो तू क्या करेगा भाई? हाँ, काट के रख दूंगा उसे। इतनी छोटी सी बात के लिए तू काट डालेगा क्या? उसको उठा लेते हैं और उसका काम कर डाल। ए, रेप करने के लिए मैंने प्यार नहीं किया, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर 7 जन्म तक खुशी से उसके साथ रहना चाहता हूँ। रेप करना बहुत आसान है, पर मुझे उसके दिल में जगह चाहिए, समझा? भाई तू बहुत बदल गया है, अगर ऐसे ही प्यार करेगा ना तो एक दिन मर जाएगा। प्यार के बारे में तुम लोगों को क्या पता, हमेशा रेप रेप यही बोलते रहते हो। प्यार के बारे में तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते, जाओ यहाँ से। यार प्रवीण, रेप करेगा तो वही होगा, प्यार करेगा तो वही होगा, तो इतना सब कुछ क्यों सोच रहा है यार? ए प्रवीण, प्यार ऐसा होता है जैसे बोतल में शराब, जितनी पियेंगे उतनी अच्छी लगेगी, अगर उसने नुकसान पहुंचाया तो लंग्स किडनी सब खराब हो सकती हैं। ऐसे ही प्यार होता है, अगर उसमें धोखा मिला तो वैसे ही सेम सिचुएशन, बदल नहीं पाएगा तू। बात को समझ यार, समझता नहीं है यार तू। ए, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो वो जरूर मिलेगी मुझे, अगर मेरे प्यार को समझ पाई तो जरूर मिलेगी मुझे। अब तू ना चुपचाप बैठ। दिव्या जल्दी आओ। आई मामा। चल चल बैठ, संभल के बैठना। जी मामा। चल आराम से जा। जी मामा। कहाँ है प्रवीण? आएगा आएगा भी। आने वाला है। ए लंबू, ये जो 3 जूस लिए हैं उसका बिल कौन देगा? प्रवीण देगा आके, तू पी पी ना। ले आ गया। हेलो। हाय। ए, इस बेकरी में क्यों आए तुम? 2 दिन पहले का माल रखता है ये। टी पीने आए थे यार। पर ये तो जूस है। भर दे। चाय और जूस का बिल भर दे यार। तेरी वाली पर यहाँ पे क्यों आएगी वो? तेरे भाई। आ जाएगी, तब तक चाय पी। ठीक है, गरम है ना? एक चाय दो। जी। यार आए नहीं अभी तक, सुबह से देखा क्या तूने? नहीं यार, हमने नहीं देखा। आई क्यों नहीं अभी तक? टाइम तो हो गया। ले लीजिए। ये ले तेरी टी। हाँ। पी। अभी तक वो आई नहीं, शायद आएगी भी नहीं। ठीक बोलता है तू, चल चलते हैं। लगता है। चल। ए, बिल दे दे यार। अकाउंट में लिख लेना यार। चल ठीक है, लिख लेना। ए प्रवीण, चल घर पे जाते हैं। ए, संतु क्या है ये? भाई कॉलेज के सभी लड़कियां इधर से ही गुजरती हैं, उसी के लिए आग बजा के रखना अपनी। क्या यार, टाइम तो हो गया, कॉलेज क्यों नहीं छूटा अभी तक? ए प्रोफेसर, छोड़ दे मेरी जान को।
यार इतना टाइम कॉलेज के बाहर खड़ा होने से अच्छा अंदर बैठा होता तो पास हो गया होता मैं। ए चल चलते हैं। अरे अरे एक मिनट भाई आ जाएंगे। चलना यार। ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ, 3 दिन हो गए मेरी आंखों के सामने नहीं आई है। छे ना और वेट करवाएगी यार। क्या रे प्रवीण, इतना उदास क्यों बैठा है यार? हे प्रवीण, क्या बात है, क्या हुआ? अरे यार 3 दिन हो गए उसकी शक्ल तक नहीं देखी है। सुबह से यहीं पर बैठ के उसका इंतजार कर रहा हूँ, वो दिखाई नहीं देती है। ओहो, प्यार का फीलिंग है प्रवीण, लड़की का चेहरा नहीं देखेगा तो खाना पीना छोड़ देगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है यार। देख, अगर वो लड़की नहीं दिख रही, क्या वो गाँव होगी या ट्रिप पे गई होगी? उसे देखने की इतनी चाहत है क्या? ए, उसे नहीं देखूंगा तो मेरी जान निकल जाएगी। बात करता है। अरे पागल, तो जान निकलने की बात कर रहा है यार, क्या हुआ तुझे? सुनना भाई, वो बाजा बजाने वाले आ रहे हैं, उनको इधर लेके आते हैं, बढ़िया गाना सुनते हैं। इसका टेंशन खत्म हो जाएगा। भाई 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 भाई, कौन सा गांव भाई? सुंदर दल्ली है। कौन से मंदिर से आ रहे हो तुम लोग? हमारा घर ही एक मंदिर है। बजा के हो गया? हाँ, पूरा 1 साल का बजा के आए हम लोग। भाई मेरा दोस्त थोड़ा सा परेशान है। हम लोग सुबह से बजा रहे हैं भाई, थक गए हम लोग, और नहीं बजा सकते। नहीं बाबा, और नहीं बजा। चलो ना भाई, प्लीज प्लीज भाई, चलो चलो चल यार। क्या प्रवीण, चल ना प्रवीण, चल मजे करते हैं, चल ना। अरे छोड़ ना यार। ए चलो चलो, बजाओ बजाओ। क्या यार तू, अरे नाच ना, चल। अरे इसको भी नचा, बजाओ बजाओ, जोर से बजाओ। अरे बस बस बस, अरे बस करो भाई, बस बस बस। थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, इन लोगों ने बहुत अच्छा बजाया ना। सुपर भाई, सुपर। थैंक यू भाई, थैंक यू, सुपर, मजा आ गया। हां थैंक यू, चलिए चलिए भाई, थैंक्स। थैंक यू दिव्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं है यार। कुछ नहीं बोल रही है, मुझसे कुछ छिपा रही है तू, बता ना क्या बात है? पीछे ही आते रहता है। उसने तेरे पीछे आना अभी हाँ। तक नहीं छोड़ा, लगता है वो सच में तुझसे प्यार करने लगा है। नहीं यार, मैं नहीं बोली तो पीछा नहीं छोड़ रहा है, पीछे ही आता रहता है। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? लड़के लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। आई लव यू। क्यों रे, क्या बोल रहा है तू, बढ़ाया प्यार करने वाला? जा यहाँ से, भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लफंगा कहीं का। वाह, मेरी जान को स्मिता लेके आ रही है। ये लड़के लोग होते ही ऐसे हैं, कितना भी समझाओ इन्हें समझ में नहीं आता। उधर देख, कैसी गंदी नजर से देख रहा है। ए स्मिता, मैं काम पिशाची नहीं हूँ, प्रेम पिशाची हूँ। देखो वो तुम्हें प्यार नहीं करती, उसका पीछा क्यों करते हो? छोड़ो उसे। अगर उसको पसंद नहीं हूँ तो जैसे उसको पसंद है वैसे बन के दिखाऊंगा। अरे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? कितना समझा रही हूँ, समझ में नहीं आता। तेरी तकलीफ देना क्या है, ये है तकलीफ देना, समझी? ए फ्रेंड्स, लोगों को तो प्यार के लिए मदद करनी चाहिए। वन वे प्यार को टू वे करने के लिए मदद करेगी तो तेरे लिए एक छोटा सा ताजमहल बनवा दूंगा। देखो ना दिव्या, ये कैसी बातें करता है, कितनी देर से पका रही है। चल यहाँ से, चल जा, जा यहाँ से। प्रेमी है उधर प्रेमिका है, दोनों को नमस्कार। मैं तो दोस्त है कि दुश्मन, शकुनी। ए दिव्या, ए दिव्या, रुक तो दिव्या। देखा ना तुमने, दिव्या बात तो सुन। ए दिव्या, ए ए तू निकल शकुनी। ए दिव्या, दिव्या एक बार बात तो सुन। वाह देखो, इतनी ही स्पीड से एक बार जरा तू मुझे आई लव यू भी बोल दे, सारी दुनिया की खुशियां जीत ली, ऐसी फीलिंग आएगी। मेरी शादी फिक्स हो गई है, मेरा पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। ए, पहली बार किसी लड़की से प्यार की बातें कर रहा हूँ और तू ऐसी बातें कर रही है जिन्हें सुनके मुझे गुस्सा आ रहा है। एक बात ध्यान से सुन ले तू, तेरे लिए जो पैदा हुआ है वो मैं हूँ, मेरे लिए जो पैदा हुई है वो तू है। हम दोनों के बीच में कोई आया तो देख लूंगा, किसी और से शादी करने की सोची भी ना तो जला के रख दूंगा, समझी? मामा, इतने दिन इसके पीछे भागता रहा, पहली बार बात की तो ऐसे बात कर रही है। कौन है ये, एकदम चोर जैसा लग रहा है देखने में, आंखें देखो इसकी, ऐसा लगता है जैसे खून करके आया है, कैसे घूर रहा है। ए दिव्या, तुझे देखता हूँ तो मेरा दिल धड़कता है। दिव्या, रविशंकर जैसा कोई बड़ा विलन भी हमारे बीच में आएगा तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आई लव यू दिव्या, आई लव यू टू मच। दिव्या एक मिनट रुक, कौन था वो जो रोड पे दिव्या दिव्या बुला रहा था?
लव लव कर रहा था वो। ये सब क्या है बेटा, कुमार क्या बोल रहा है और तुझे ये सब गंदी आदत कैसे लग गई बेटा, बोलना। तू तो मेरे पेट से पैदा हुई है। एक मिनट रुक दिव्या, सच बोल, तेरे को लव शव हो गया है क्या? नहीं मामा, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर वो मेरा डेली पीछा करता है। चल ठीक है, तुम जाओ पढ़ाई करो, मैं देखता हूँ। दिव्या, बाथरूम में धोने के लिए बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, जाके धोके डाल दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं खाना बना के सोने जा रही हूँ। धो दूंगी ना माँ। ए संतु, वो कौन है? वो राजू है। ए सब बातें छोड़, वो कौन है, कौन है वो? ए वो प्यार के बारे में बात कर रहा है। यार प्रवीण, खत्म हो गया। अभी तेरा रनिंग स्टेज है, तू किसी भी लड़की को लव यू बोलेगा ना तो वो तेरे को लव यू टू नहीं बोलेगी। अरे और लेके आओ यार। लव यू टू ना बोलने वाले के लिए टेंशन मत ले, दूसरी कोई लड़की ढूंढने का भाई। ए ये क्या बातें लगा के रखी तूने? क्या बोल रहा है यार? किसके बारे में बात कर रहा है? शाम को जो आदमी उसे अपनी बाइक पर बिठा कर ले गया उसके बारे में पूछ रहा हूँ। छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, तुझे इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे यार, उसकी फैमिली में ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है, एक छोटी बहन है और एक बड़ी बहन है। क्या यार, क्या क्या बोल रहा है तू? कुछ भी बोलता रहता नहीं है। क्या भाई क्या? ए उधर देख, कोई तो बात कर रहा है उधर। ए उधर कोई तो हंस रहा है उधर, देख रे। ए उधर देखना। ए हाथ छोड़, हाथ छोड़। ए हाथ पकड़ रहा है उसका, कौन है ये? क्या रे, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ए कोई तो है उधर वहां पे। बोतल वेस्ट कर दी तूने। ए यार, क्या यार, तू भी पूरी बियर की बोतल तोड़ दी यार, अब क्या पीऊंगा मैं? कैसा है यार ये? अरे क्या हुआ? छोड़ उसे, छोड़ उसे। अरे कोई भी नहीं है उधर। अरे ए पागल हो गया है क्या यार, बोतल फेंक दी तूने भरी हुई, तू पागल हो चुका है भाई। ए, चल जा सो जा। ए, और ला दूंगा बोतल। अरे यार जो किया वो किया। अरे अब बच्चे की तरह पूछता है क्या किया। ए प्रवीण, तू वही है क्या? तू चेंज हो गया यार। ए संतो, क्या बात है बोलना। ए संतो, कोई मेरे प्यार के बीच में आया ना तो चटनी कैसे मसलते हैं वैसे मसल डालूंगा, चटनी बना दूंगा चटनी। हाँ। ए ए इधर दे, इधर दे। इसको क्या हो गया, मेंटल जैसी बातें कर रहा है। बस बहुत हो गई तेरी। अरे यार क्या हो गया इसको, यहीं रहने दे, समझा? माचिस देना। कहाँ है माचिस? मेरे पापा ने बोला है पीने वालों के साथ दोस्ती मत कर, प्यार करने वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। मुंह से बास आ रही है। चढ़ गई इसको। अरे सारी बोतल गिरा दी यार, अब चाटना पड़ेगा। क्या हो गया आज तेरे को, क्यों ऐसा कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ए, 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 ए यार अरे मुझे लगता है तुम लोगों को नींद आ रही है। अरे चलो सो जाते हैं, ठीक है? चलो 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 यार, चलो सोते हैं यार। ये तो बिल्कुल गया काम। अरे छोड़ ना यार, चलो चल चलो यार, उठाओ। अरे यार सब बोतल गिरा दिया, सब बहा दिया। कल रात को बहुत टाइट हो गए थे यार, अभी भी सिर दर्द हो रहा है। हाँ यार मेरी भी बहुत हो गई थी, सिर में दर्द है यार। अब पता चल रहा है किसने कितना पिया। ए प्रवीण इधर आ। हाँ? दिव्या मेरी बहन की बेटी है, वो शादी करने वाली लड़कियों में से है, प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़ उसके, समझा? मत पड़ूं? ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है, वो मेरे लिए पैदा हुई है, मैं उसके लिए पैदा हुआ हूँ, हमारे बीच में कोई नहीं आना चाहिए और मैं आने भी नहीं दूंगा। देख वासु, हमारा लव करने वाला गैंग नहीं है, अगर हमारा दोस्त प्यार कर रहा है तो हम भी उसका सपोर्ट करते हैं, तू भी उसका सपोर्ट कर। ऐसा नहीं वैसा नहीं, अगर दोबारा बोला ना तो रोड पे ही काट दूंगा। तो क्या तुम लोग मुझे काटने वाले हो? ए, तुझे मारने के लिए ये सब नहीं चाहिए, तेरे लिए तो मैं अकेला ही काफी।
मामा उठो मामा, मामा आपको कुछ लगी तो आप ठीक तो है ना मामा? थू, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? एक कुत्ते की तरह मार रहे हो उनको, इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? ये कैसे देख रहे हो तुम? क्या रे, क्या ऐसे देख रहे हैं? ये मेरे मामा है और इन्होंने ही मेरे लिए लड़का देखा है, समझे? क्यों काटेगा, मारेगा हमको? आ काटेगा हमको? तू कितना भी रोएगा पर मैं तेरे हाथ नहीं आने वाली, और प्यार बोले तो वो तुमसे कभी नहीं कर सकती हूँ। तुम लोगों के देखने का नजरिया कभी सही नहीं हो सकता। तुम लोग प्यार का मतलब जानते हो? हाँ, प्यार किसे कहते हैं, किससे प्यार करना चाहिए? थू, तुम लोग जानवर हो, जानवर से भी बदतर हो। चलिए मामा। ए प्रवीण, तू कैसे कुत्ते की तरह भागता था उसके पीछे? इतना होने के बाद भी तू उससे प्यार करता है क्या? यार उसने हमें रोड में थप्पड़ मारा, जो मुंह में आया वो बोला, उसके बाद भी तूने क्या किया, यहाँ आके बैठ गया? अरे उसके प्यार में ये पागल हो चुका है, ये कुछ नहीं बोलेगा, इससे क्या बोल रहे हो? इतने दिनों से प्यार की वजह से उसके पीछे कुत्ते की तरह भागता रहा, और आज उसने अपने मामा के लिए मुझे बीच रोड पर थप्पड़ मारा। कल कुछ भी करके हमें किसी भी हाल में उसे उठाकर ले जाना ही है। कल कॉलेज कितने बजे छूटेगा? 1 बजे के आसपास। 12:30 बजे। ओके, तो डन है ना? ओके 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 100% ओके डन। फिक्स। आ गई वो, चल तू गाड़ी स्टार्ट कर। चल इसको, चल बंद कर, बैठ बंद कर, बैठ चल, स्टार्ट कर गाड़ी, चल बंद करना। हाँ हाँ चल 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 रे। चल निकल 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 चल 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 ला ला पार ला, संभाल के उठा 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 उठा, चल 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 चल। लड़के चाहे जितना भी प्यार कर लें, लड़कियों को समझ में नहीं आता। ए, छोड़ो उसको, जाओ तुम लोग, जाओ गाड़ी में जाओ, मुझे कुछ बात करनी है, जाओ। हाँ भाई चलो चलते हैं। ए जल्दी आना भाई। उठ जा दिव्या, उठ जा, उठ। इधर क्यों लेके आया मुझे तू? कल तुझे मारा, तेरी अकल ठिकाने नहीं आई? कल का मेरा प्यार तुझे पता नहीं था इसलिए तुझे दिया, आज प्यार में क्या होता है ये बताने के लिए तुझे यहाँ पर उठा के लाया हूँ, समझी गया? प्यार नहीं करेंगे तो किडनैप करेगा, यही है तेरा सच्चा प्यार? शक नहीं करने का, भरोसा करने का, तभी तो पता चलेगा कि लड़का कैसा है, कितना प्यार करता है। मैंने देखा कि तुम कितना प्यार करते हो, मैं भी वही बोल रही हूँ, मेरी शादी फिक्स हो गई है, प्लीज मुझे छोड़ दो। इतना प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलती है। हर वक्त तू मेरा पीछा करता है, तू मेरे पीछे आता है ना इसलिए, तुझसे बात करने का पेशेंस नहीं है। दिव्या रुक जा, मैं शादी करूंगा तुझसे। अनपढ़, मेंटल दिमाग है क्या तेरे पास? मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, मेरी ऑलरेडी शादी फिक्स हो गई है, समझता नहीं है क्या? हट। ए, इसको कितना समझाया, इसको समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ये लड़की इस धरती पर चाहिए ही नहीं। रुक 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 जरा। ए ए! अरे ये कैसी आवाज है, क्या हुआ? आ, मम्मी, अब समझ में आएगा इसे। अरे प्रवीण क्या कर दिया तूने? क्या हुआ? जाके देख ले खुद। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे बोल ना। अरे उठा के डालो। क्या किया तूने प्रवीण? अरे क्या हुआ यार? मम्मी यही तो है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, देख रहे थे, बाटली को निकाल के फेंक दे।
प्लीज छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। क्या प्रवीण, तूने उसको मार दिया रे? ए, वो सब छोड़ पहले ये बता तुम लोग अभी तक क्या कर रहे थे? ये फॉरेस्ट में किसी के देख लेने का डेंजर है, पहले उठा के लाओ उसे फिर कहीं फेंक देंगे। चल ठीक है, चल जा, चलते हैं भाई। चल, हाँ चल। चलो ये तो ठिकाने लगी, चलो हो गया। चल चल चल, अब ठीक से दबा। हाँ उठा उठा, टेंशन मत उठा, जोर लगा। किसी को पता तक नहीं चलेगा। हाँ चल दबा, अच्छे से दबा, थोड़ा इधर का कर। हाँ चल 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 भाई, अभी जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो चल भाई, सब लोग ऐसे बिहेव करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंकल, मेरी बहन को मार के आपको क्या मिला अंकल? बस बेटा बस, दिव्या कहाँ है? दिव्या कहाँ है बोल अम्मू। अंकल मेरी बहन कहाँ गई अंकल? उसे ढूंढो अंकल। अंकल अंकल, दीदी कहाँ है? दिव्या 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 दिव्या, कहाँ हो तुम? ए पागल, अभी तक मरा नहीं तू? क्यों मुझे परेशान कर रहा है? क्या चाहिए तुझे मुझसे? क्या चाहिए बोलना। तेरी मौत। हाँ मुझे देख के शौक लगा क्या? तूने उस दिन गलत काम किया था, भूल गया क्या? क्या किया? भूल गया? क्या किया? याद दिलाओ वो दिन। ये जगह बहुत अच्छी है ना, हम यहाँ बैठे क्या? बैठो ना, यहीं बैठते हैं। अच्छा मैं एक बात बोलूँ क्या? मुझे कुछ चाहिए। बोला था पप्पी देने के लिए। मैं ना कल गांव जा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारा प्यार करो, करोगे ना? हाँ करूँगा ना प्यार। ए देख उधर, ए चल। हे प्रवीण सुन, इधर आ। कौन है ये लोग? कौन हो तुम लोग? सच्चे आशिक हैं हम लोग। क्या लड़की है, क्या कर रहे तुम लोग? ए संतु, क्या तुम लोग भी बातों में लगे हो? उठा के लाए इसे। क्या कर रहे हो? चल छोड़ो मुझे। प्लीज चल, क्यों मार रहे हो मुझे? चल छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो, यहां से छोड़ दो, चली जा रही हो। मारो तुम लोग, पकड़ उसको, पकड़ 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 पकड़। छोड़ दो मुझे प्लीज। रम्या बचाओ मुझे। I love you, रम्या। रम्या रम्या मुझे छोड़ दे। पकड़ रम्या, बचाओ। अरे छोड़ मत उसको यार, जल्दी पकड़ो रम्या। साले प्यार करेगा तू? प्यार करेगा? प्यार करेगा? जाने दो मुझे प्लीज। नहीं छोड़ दो प्लीज, नहीं नहीं। चिल्ला मत, छोड़ दो मुझे। चुप कर, चुप कर, मुंह बंद कर। ए चिल्ला मत, मुंह बंद कर, बंद कर इसका मुंह। ए मत चिल्ला, चौगट पकड़ के रख दोनों हाथ। लव का मतलब ये सब काम होता है क्या? तुम लोग लव को बदनाम करते हो। लव का मतलब ये सब काम करना नहीं होता। कैसे छछूंदरों के साथ होती है? अरे हम मर गए हैं क्या? रम्या रम्या रम्या
रम्या, रम्या ये क्या हो गया रम्या? रम्या रम्या उठो, उठो रम्या, रम्या मेरी रम्या, ये क्या हो गया साहब? रम्या इधर देखो ना, आके खोले ना रम्या, किधर हो कमीनो? छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, किधर हो? इधर आओ, सामने आओ मेरे, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मुझसे मेरे प्यार को छीना, तुम लोगों को मारने के लिए मैंने मास्क लगाया, पागल का भेष बनाया और फिर तुम जैसे पापियों को ठिकाने लगाया, और ऐसे करके तुम एक एक करके मरते गए और तुम्हें कुछ पता भी नहीं चला। पर आज तू मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा, आज छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे। प्यार को मैंने खत्म किया था, लड़की को मैंने नहीं मारा था। छोड़ मुझे, मर जा तू, मर। भाई ऐसे लोगों को रोड पे घसीट घसीट के मारना चाहिए। आज तेरी चमड़ी उधेड़ कर ही रहूंगा, समझा तू? तूने मेरी बहन को तड़पा तड़पा कर मारा था ना, तेरे जैसे राक्षस का सर्वनाश करने के लिए हम जैसे लोग अब तेरे सामने खड़े हैं। आज तेरा किस्सा खत्म हो जाएगा, ये बात जान ले तू। की सौगात रे
बचेगा ना तू मुझसे कभी, बचेगा ना तू। दिव्या बाहर आ, बाहर आ, सुन रही है ना? ए दिव्या बाहर आ, बाहर आ, जल्दी आना। कहाँ है तू? इधर आना। आ गई तू? क्या मरने से पहले ही तुमने मुझे नरक दिखा दिया? तू क्या गलती की थी मेरे फ्रेंड्स ने जो तूने उन्हें मार डाला? तेरी लाइफ को धोखा देने वाला मैं था। सिर्फ गलत ही नहीं, बहुत ही भरोसा तोड़ने का काम किया है तूने। तूने तो मेरे को ऐसे ही मार दिया, पर उन लोगों ने मेरे साथ मेरी इज्जत लूटी, मेरे साथ मेरी खून की होली खेली। छोड़ दो मुझे। अच्छा, उन लोगों ने तेरे साथ गलत काम किया तो तूने उन्हें मार डाला, लेकिन मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा सलूक किया? ए दिव्या, तू मेरे प्यार पे भरोसा करे इसलिए तुझे उठाकर लेकर गया था, पर तूने मेरे प्यार पर भरोसा ही नहीं किया इसीलिए मैंने तुझे मार डाला। लेकिन मेरे दिल में तेरे लिए आज भी प्यार ही प्यार है और हमेशा रहेगा। अब तू क्या मुझे डरा डरा के मारेगी? मैं ही खुद ही मर के तेरे पास आ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि तू मेरे प्यार पे भरोसा करती है या नहीं करती। मौत सामने आने के बाद डर के मारे तुम लोग ऐसे ही बोलोगे ना? अभी भी भरोसा नहीं है ना तुझे? मैं जान दे दूंगा तब तो भरोसा करेगी ना? ठीक है, मैं ही मर के आता हूँ तेरे पास। जिस लड़की से प्यार किया उसी ने मेरे पे भरोसा नहीं किया। मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकती। भरोसा नहीं करेगी? भरोसा नहीं करेगी? दिव्या, I love you। प्रवीण, तू मुझे प्यार जरूर करता है, पर मैं तुझ पे यकीन नहीं कर सकती। अब मैं तुझसे कुछ नहीं बोलूंगी, मैं तुझे माफ कर दूंगी, तभी तू अच्छे से रहना, तभी मैं तुझसे प्यार करूंगी। दिव्या, तू इसे कैसे माफ कर सकती है? तूने जो मुझसे कहा था उस बात का क्या? वो रहने दे, मैं भी क्या अपने प्यार को भूल जाऊं? हम दोनों की लाइफ को इसके दोस्तों ने खराब की है। पूछ इससे, मैं सही कह रही हूं कि नहीं? अभी तू इसे माफ कर देगी क्या?
मेरे प्यार के लिए उसने मेरे सामने अपनी जान दे दी। उसने मुझसे प्यार किया पर मैं ही नहीं समझ पाई। उसको बचाना चाहिए। तुझे दिया हुआ वचन मैंने तोड़ दिया है, मुझे माफ कर देना रमैया प्लीज। ठीक है, मैं इसे माफ करती हूँ। कौन है तू? मैं अश्विनी। तूने इसे क्यों मारा? क्यों मारा उसको पता है? उसने मेरे जन्मदिन पर दादी, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड लोग वेट करते रहेंगे। मुझे ड्रेस चाहिए दादी। रात भर ड्रेस का ही सपना देखती रही क्या? तेरे लिए कपड़े लेने वो सुबह से गए हैं, अभी आते ही होंगे। तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे देख ना, बात करते करते वो आ भी गए। बेटा, तेरे जन्मदिन पे नया ड्रेस कैसा लगा? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मनु बेटा, खाना तैयार हो गया है, खा करके जाना। पहन के देखा, मैं भी देखूं कैसी लगती है। ड्रेस बहुत अच्छा है दादी। तुझे ड्रेस पसंद आ गया ना बेटा, मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं नहा के आती हूँ ना दादी। हाँ हाँ, जल्दी से नहा के यही पहनूंगी मैं। जरा पानी देना। हाँ, मैं लेके आती हूँ। पागल लड़की। कितनी प्यारी लग रही है। ये लीजिए। बाजार होके आता हूँ। क्या बुजदिलों की तरह मुंह लटका के बैठा है, मर्द बन मर्द। अबे ऐसा कौन बोला कि हारे हुए इंसान को जीतने के लिए मर्द होना चाहिए? मर्द क्या होता है, इन गांव वालों को मैं बताऊंगा। चल तो रुक, मैं आता हूँ, देखना तू अब क्या होता है। आता हूँ मैं, जल्दी आ। छोड़ दे तुझे, तू तो रसमलाई की तरह एकदम नरम नरम मुलायम है, तुझे कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? छोड़ देंगे हम लोग, कुछ डरने की बात नहीं है। तुम एकदम कड़क हो, गांव वाले हम लोगों को बोलते हैं यहाँ मर्द नहीं है। मर्द क्या होता है प्रवीण, दिखा दे चल। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अब गांव वालों को पता चलेगा कि मर्द क्या होता है। चल इसे ठिकाने लगाने का इंतजाम कर। हे भगवान, सुबह से नहाते नहाते शाम कर देगी क्या? कहाँ है अश्विनी? अश्विनी, 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 कहाँ है मेरी बच्ची? हे भगवान, कहाँ चली गई? सुनिए। अरे अरे, क्यों इतना भाग के आ रही हो, हुआ क्या? अश्विनी, क्या हुआ अश्विनी को? अश्विनी घर पे नहीं है जी। अरे कॉलेज गई होगी। अरे जो नए कपड़े तुम लाए थे वो नए कपड़े भी वही हैं, वो नहाने गई थी। अरे फ्रेंड्स के घर गई होगी शायद। नहीं, कैसे जाएगी, वो नहाई भी नहीं थी। तुम घर पहुँचो, मैं गांव वालों से पूछ के आता हूँ। सुनिए, लक्ष्मी दीदी के घर पे जाके आइए। ठीक है, मैं देखता हूँ, तुम जाओ घर पे, चिंता मत करो। मनु बेटा चल, जरा गांव में पूछ कर आते हैं। क्या हुआ? मेरी पोती दिखाई नहीं दे रही है। सहेली के घर गई होगी। ए,
टाइम पास मत कर, किसी लड़की से या उसकी सहेली से पूछ के आ, जल्दी जा, जल्दी चल, जल्दी जाके आ, चल बेटा। तुम यहाँ पूछो, मैं मंदिर में देख के आता हूँ, ठीक है? मूर्ति, मेरी पोती को देखा गया? नहीं कृष्णा भाई, नहीं देखा। अरे बेटा, अरे बेटा, हाँ? मेरी पोती को देखा क्या? नहीं, हमने नहीं देखा। मैंने नहीं देखा। ए भगवान, मेरी पोती कहाँ गई होगी? कहाँ चले गई मेरी पोती? बेटा, तुमने मेरी अश्विनी को कहीं देखा क्या? नहीं देखा माँ जी। बहन, मेरी बेटी को कहीं देखा क्या तुमने? मैंने नहीं देखा बहन। किधर गई? अगली बार गाड़ी पी के चलाया तो केस कर दूंगा, सीधा अंदर डालूंगा। चल जा। साहब, नमस्कार साहब। क्या हुआ तुम्हें? साहब, मेरी पोती नहीं मिल रही है। समझ नहीं आया साहब। कितने साल की है? 15 साल साहब। ओ, ये तो कम से उम्र है। इस उम्र में तो कई लड़कियां लड़कों के साथ भाग जाती हैं। तेरी पोती एकदम करेक्ट एज में भागी है तो भाग गई। बहुत बड़ी खिलाड़ी है वो। नहीं साहब, मेरी पोती वैसी नहीं है। मुझे अभी तक कंफर्म नहीं हो कि तेरी पोती कैसी है। कंफर्म होने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कुछ। ऐसा मत बोलो साहब, कैसे भी करके मेरी पोती को ढूंढो, हाथ जोड़ता हूँ। लगता है दादा रात दिन पिक्चर देखता रहता है। भाई, ये पिक्चर नहीं है, हमें अभी टाइम लगता है। तुम्हारी पोती को ढूंढने में टाइम लगेगा। ठीक है सिद्धराज, मैं जरा थोड़ा राउंड मार के आता हूँ। ये दादा की पोती खो गई है, जरा कंप्लेंट लिख लो, थोड़ा इंक्वायरी कर ले। इधर आओ, इधर आओ, ठीक से बताओ क्या क्या हुआ तुम्हारी पोती के साथ। मेरी पोती साहब, नाम बताओ। नाम अश्विनी। उम्र? उम्र 15 साल। कहाँ रहते हो? सोमन अली। सोमन अली का गांव है? हाँ। ढूंढ के हम लोग बताते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करके लेता हूँ, अभी जाओ तुम आराम से घर पे, ठीक है? जाओ, टेंशन मत लेना। क्या हुआ अश्विनी की कुछ खबर मिली क्या आपको? उसका रास्ता देख देख के मेरी आंखें थक चुकी है। कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बताओ मुझे। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट की। इतनी देर से उसको यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ पर पता नहीं चला। दादा, अश्विनी जंगल में बेहोश होकर गिरी पड़ी है। क्या? हे भगवान, अश्विनी! अश्विनी, 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 अश्विनी बेटा, अश्विनी, क्या हो गया मेरी बच्ची? क्या हो गया तुझे? अश्विनी, छोड़ो मुझे, मेरी बच्ची। हे भगवान, मेरी बच्ची। अश्विनी, क्या किया भगवान? मैडम बस तो चल रही है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी करो। अश्विनी, आराम से, जल्दी करो। अश्विनी, माँ जी, अपने आपको संभालिए माँ जी। डॉक्टर, इमरजेंसी केस है, प्लीज हैंडल इट केयरफुली डॉक्टर। श्योर, मैं देखता हूँ मैडम। ओके मैडम। गणेश, ये केस पहले कौन देख रहा था? मैडम, इस केस को सबसे पहले रवि ने देखा। उन्हें यहाँ आने के लिए कहिए। ओके मैडम। अपने आप को संभालिए, संभालिए अपने आप को। अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा उसे।
कैसे हिम्मत रखे बेटा, उस अनाथ बच्ची के माँ बाप नहीं है, एक दादा दादी है बस, उसके साथ ऐसा अन्याय हुआ है, आँख उठा के भी नहीं देखती थी मेरी बच्ची, कैसे हो गया ये सब है भगवान। शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप लोग सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंडीशन कैसी है सर? कंडीशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। Are you suspending any gang-rape kind of thing? Yes, sir. She is very brutally gang-raped. Madam, किसी ने सबसे पहले देखा था? तुम रवि हो? मैं हूँ मैडम। उस लड़की को कब और कहाँ देखा था? मैडम, मैं सुबह खेत में जा रहा था, देखा कोई गिरा पड़ा है। पास जाके देखा तो दादा की पोती थी। ठीक है, तुम जा सकते हो। चाचा जी, आपकी पोती को गायब हुए कितने दिन हुए थे? और उसका कोई प्यार का चक्कर वक्कर तो नहीं था ना? अरे आप कैसी बात कर रही, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरी पोती वैसी नहीं थी, वो बहुत अच्छी थी, चुपचाप जाती थी, चुपचाप आती थी। आज ही उसके लिए नए कपड़े लेकर आया पर वो पहन नहीं सकी। दिन या रात उसे हमने सब जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। सब आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? वो मैडम, मैडम ये आए थे कंप्लेन करने के लिए, लेकिन मैंने सोचा ये कहीं टीनेज की वजह से अपने दोस्तों के साथ कहीं चली गई होगी तो आ जाएगी, इसलिए मैंने कंप्लेन नहीं लिखी थी। शट अप, क्या है ये सब? तुम कोई ज्योतिष हो ऐसा सोच रहे हो क्या? कह दिया कि लड़की वापस आ जाएगी। इरिस्पॉन्सिबल पीपल, आप चाहे जितने भी चौकन्ने रहो, पलक झपकते ही क्राइम हो ही जाता है, और तुम जैसे लोगों की लापरवाही की वजह से NH7 पे क्राइम चलते ही रहता है। कुछ भी कर लो, क्राइम रुकने का नाम ही नहीं लेता, उसकी जिम्मेदार तुम हो। यस डॉक्टर। मैडम पेशेंट कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल, 4-6 लोगों ने मिलकर इसके साथ गैंगरेप किया और पिछले 3 दिन से वो इसी हालत में पड़ी रही, और मुझे लगता है ऐसी हालत में उसका बचना मुश्किल है। अगर मेरा बस चलता ना, ऐसे लोगों को बीच रास्ते पे गोली से उड़ा देती। इस कानून, इस व्यवस्था ने मेरी हाथों को बांध रखा है। इस काम को कोई जज, कोई वकील या कोई पॉलिटिशियन कभी भी ठीक नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कर ले, धरना धरे, मोर्चा निकाले, सब कुछ टाइम वेस्ट। सबसे पहले अपने मन के अंदर की बुराई को खत्म करना चाहिए, तभी तुम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हो, ऐसा तुम प्राउड फील करोगे। संभालिए अपने आप को, शांत रहिए। आरोपी चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मैं उन्हें अरेस्ट करूंगी। संभालिए। हॉस्पिटल में मैं कोमा स्टेज में चली गई। थोड़े दिन बाद मेरी जान चली गई। मुझे प्यार से बड़ा किया मेरे दादी दादा ने। बहुत तकलीफ सही, ऐसे दुष्ट लोग को जिंदा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं आत्मा बनके इन लोगों का पीछा करती आई हूँ, एक एक करके सबको मारती आई। इन लोगों की मौत होते ही मुझे खुशी मिल रही थी। जब तुम इसको बचाने की बात कर रही थी, तभी मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। जिसने तकलीफ दी उसको मैं मार दूंगी, जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने इसे मार दिया। उसके किए की सजा दी मैंने। मैंने क्या गलत किया बताओ? उसने मुझे बहुत प्यार किया, उसने मेरे लिए जान दे दी, इसीलिए मैंने उसे माफ कर दिया। हाँ, उसने तेरे साथ बहुत गलत काम किया तो तूने सजा भी बराबर ही दी। यही नहीं, अभी कोई भी लड़की पे कोई अत्याचार करेगा तो उसकी जान लेने तक मुझे चैन नहीं आएगा। मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। आज अमावस्या है, मेरी आत्मा के अंदर रम्या की भी आत्मा है। हम दोनों की आत्मा तेरे आत्मा के अंदर जाकर ये देश में कभी भी अत्याचार हो रहा है उसे मारना ही अपना लक्ष्य होना चाहिए, और अत्याचारों को सजा देंगे। क्या बोलती है तू? तू सही बोलती है। आजा मेरी आत्मा में। भाई स्टोरी तो सुपर है। दिव्या पहले 4 लोगों को मार देती है, बट अश्विनी आपको लास्ट में मारती है। पर तुम लोग भूत होकर भी शमशान में रहते हो,
नेक्स्ट क्या होगा? स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आगे क्या होता है? 6 महीने बाद आ, स्टोरी पूरी करके रखूंगा, तू आना जरूर। ए युगा, ये सारे के सारे क्या बोले जा रहे हैं? मैडम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गैंगरेप करने वाले हैं। चलो भागते हैं, जल्दी करो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, छोड़ो, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे, कोई हेल्प करो मेरी। होगा एक दिन दुनिया में चमकेगा सितारा बन, एक दिन दुनिया में ये है सपनों की दुनिया, सुनो संग मेरे तुम सपने बुनो, संग मेरे उड़ चलो तुम साथी रहे।